हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आपकी सुल्लू। आज हम लोग का स्पेशल रेसिपी है चन्ने और चवली की भाजी। ये करी टाइप भाजी हम बना रहे हैं। इस चन्ने को मैंने रात भर, दोनों को भी मैंने रात भर भिगोया था पानी में, और उसे अभी मैंने बॉईल किया है थोड़ा नमक डाल के, दोनों को अलग अलग। अभी हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे, पहले सांभर की, जो जो है मैं अभी आपको बताऊंगी। अभी हमें थोड़ा सा तेल लेना है। इस तेल को थोड़ी देर उबाल आने तक रखना है। गाइस, अभी तेल थोड़ा गर्म हो चुका है, हमें इसमें मसाला डालना है। ये दालचीनी, एक जायफल, 5 काली मिरी, 1 लौंग, थोड़ा जीरा, फिर अदरक और लहसुन जो मैंने कूटा है। आपको 2 मिनट तक सिर्फ घुमाना है। अभी हमने उसमें 2 से 3 हरी मिर्ची, जो अच्छी मिर्ची होती है वो मैंने 2 डाला है। ज्यादा फिक्का होता है या नहीं वो आप देख लेना, क्योंकि इसमें बहुत अलग अलग मिर्ची आते हैं। धीमी आंच में थोड़ी देर पकाना है। जब तक ये पकता रहेगा उसमें ही हमें थोड़ा कांदा डालना है। ये मैंने छोटे छोटे 2 कांदे काटे हैं। अब इसमें थोड़ा ब्राउन होने तक हमें इसे घुमाते रहना है। जब आप घुमाते रहोगे थोड़ा सा इसको नमक डालना है। जब तक ये धीमी आंच में हमारा कांदा ब्राउन हो रहा है, जब भी आप कोई भी भाजी या कोई भी चन्ने या कुछ भी आप भिगोते हो कोई भी पानी में या उसको उबालते हो, वो पानी हमेशा रखने का, क्योंकि आप जब भाजी बनाते हो आप उसमें वही डाल सकते हो, तो स्वाद ज्यादा बढ़ता है, खाने में ज्यादा टेस्ट आता है। और सबसे बड़ी बात होती है, उसके पूरे विटामिन प्रोटीन सब उसमें ही होते हैं, जो हम वेस्ट नहीं कर सकते। अभी जैसे ब्राउन हो गया है कांदा, उसमें हमें टमाटो डालना है, बारीक कटे हुए ऐसे लंबे लंबे। सौते करना है, ये सब कुछ बराबर एक दूसरे के साथ हमें मिलाना होगा। और इसमें थोड़ा सा हमें कोकोनट डाल दो। अब हमें इसे अच्छे से घुमाना है। अभी इसी में हमें टमाटो डालने, छोटे छोटे कटे हुए, इसे अच्छे से घुमाकर लेना है। लगभग 1 मिनट, स्वाद अनुसार नमक डालना है। हमारा प्याज और टमाटर पक चुका है, उसमें हमें जो हमने उबाले थे चने उसे डालना है। इसे अच्छे से हमें सब मसालों के साथ मिलाना है। और उसी में हमने चवली जो भिगो के रखी थी उसे ऐड करना है। अभी आपको देखकर लगता होगा ये इतना सारा क्यों डाल रहे हैं, हमारे घर पे 7-8 लोग हैं खाने के लिए, तो आपके जितने घर पे लोग होंगे उनके अनुसार डालिए इसे। अगर अच्छे से अभी हमें 5 मिनट तक मिलाना है ये मसाले में। इसमें आप 1/2 नींबू निचोड़ सकते हो, अच्छा लगता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अभी हमें इसमें 1 ग्लास जितना पानी ऐड करना है। जितना पानी ऐड करके 1 मिनट तक इसे रखना है। नमक देख लेना, क्योंकि आप जब उबाल रहे तभी भी हमने नमक डाला है, तो नमक भी ज्यादा हो जाता है। और ज्यादा देर पकाना नहीं, क्योंकि पके हुए हैं ऑलरेडी। और जो हमने ग्रेवी बनाई थी वो ग्रेवी को हमें ऐड करना है, जो हमें ग्रेवी बनाई थी वो हमें ग्रेवी इसमें ऐड करनी है। रख सबको मिलाना, जैसे ही ये सब उबल जाएंगे उसमें हमें
बस थोड़ा खाना चटपटा स्वादिष्ट लगने के लिए हमें थोड़ा सा गार्निश करना है धनिया के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, खाना अच्छा लगा हो, तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।